वेरी गुड ऑफ़ ग्लोबल न्यूक्लियर डिस तो इस आर्टिकल के अंदर जो डिस्कशन हुई है दुनिया भर में जो न्यूक्लियर डेटरेंस के नाम पे हमने पहले भी कई आर्टिकल्स में डिस्कस किया है जिस कदर न्यूक्लियर डेटरेंस का कॉन्सेप्ट दुनिया में है और जो न्यूक्लियर प्रोसेसर हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स की स्टॉक पाइलिंग प्रोडक्शन यूज ट्रांसफ़र करना या उसको डेवलप करना या उसको टेस्ट करना इन्चमेंट प्रोग्राम्स ये सारी चीज़ें होती रहती हैं पर यहाँ इस आर्टिकल में बात हो रही है कि सितंबर ट्वेंटी सिक्स इंटरनेशनल डे मनाया जाता है टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के लिए और हमारी ट्रीटी भी है ये साइड में मैंने कुछ नोट्स जो हैं वो आपके लिए रेडी किए हैं तो आप ये देख सकते हैं तो जो बात हुई है वो ट्रीटी ऑन द ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में हुई है जिसको बैंड ट्रीटी भी बोला जाता है कि पूरी दुनिया भर से न्यूक्लियर वेपन्स बैंड हों इसका मेन गोल है न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह से एलिमिनेट करना दुनिया में नहीं होने चाहिए यू कैन कॉल इट एज द न्यूक्लियर डिसामेंट 2021 में ये ट्रीटी एस्टैब्लिश की गई थी और अगर हम जुलाई 2024 तक की बात करें तो ट्रीटी में 70 स्टेट्स हैं ऑलरेडी और उसमें से अनदर uh, 27 70 नहीं अनदर 27 uh, ने साइन किया है पर रेटिफाई नहीं किया है तो यानी कि आज की डेट में अगर हम देखें कि 97 स्टेट्स हैं पूरी दुनिया में जो कि इस आर्टिकल के अंदर जब आप देखोगे तो इट्स क्लोज टू लाइक फिफ्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड इस बारे में बात करती हैं कि no के से वो यही है कि देर शुड बी नो न्यूक्लियर वेपन वर्ल्ड पर आगे चल के अभी हम देखेंगे कि इंडिया बैन ट्रीटी ये जो ट्रीटी है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इससे भी बाहर है और हमने एनपीटी uh, के ऊपर भी साइन नहीं किए थे उसका कारण ये है पहले थोड़ा सा वो समझिए कि कि जब बनी थी 1970 में में तो रीजन था कि उस समय तक पांच ऐसे दुनिया स्टेट्स हो गए थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे अगर हम अमेरिका की बात करें रशिया की बात करें ब्रिटेन की बात करें फ्रांस की बात करें और चाइना की बात करें इंडिया का स्टांस शुरू से यही रहा है हमारी न्यूक्लियर फॉरेन पॉलिसी की अगर मैं बात आपसे करूं तो हमने शुरू से ये मेंटेन किया हुआ है कि जो न्यूक्लियर डेटरेंस के नाम पे आप दुनिया में ये सिर्फ पांच स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और एनपीटी ने 1970 में यही बोला था कि बस हमारे पास ही होने चाहिए किसी और के पास नहीं तो इंडिया ने शुरू से ही डिस्क्रिमिनेटरी बोला है इस ट्रीटी को और हमारा जो प्रोलिफरेशन का रिकॉर्ड है आज की डेट में जब हमने पोखरण वन किया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इंद्रजी के राज में जब हमने अपना पोखरन सेकंड किया ऑपरेशन शक्ति अटल जी के राज में तो इन सब चीजों से पता चला पूरी दुनिया को कि जो हमारा रिकॉर्ड है कि हमारे से कभी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में या कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा एनपीटी बी को साइन करना जैसे मैंने कहा कि एनपीटी को अगर हम साइन कर लेते हैं तो फिर वो तो ये कह रहे हैं ना कि ब्रिटिश सिर्फ हम पांच लोगों के पास है और न्यूक्लियर पावर और जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सिर्फ हम पांच लोगों के पास होनी चाहिए बाकी किसी और के पास नहीं तो हम डिस्क्रिमिनेटरी स्टांस की बात करते हैं और आगे उन्होंने लिखा है कि जो बात हम कर रहे थे या आपने थोड़ा सा इंडिया के न्यूक्लियर फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जितने भी दुनिया में प्रोसेसर हैं न्यूक्लियर वेपन्स के और उनके जो अलाइज हैं किसी ने भी ये ट्रीटी जो है वो साइन नहीं की थी ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और ये ट्रीटी बैन करने की बात करती है सारी चीजों को जो हमने देखी आगे उसमें लिखा है चाहे डिवेलपिंग हो या टेस्टिंग हो प्रोड्यूसिंग हो स्टॉक पाइलिंग हो ट्रांसफरिंग हो यूज करना हो डिप्लॉय करना हो रखना हो या थ्रेटन करना हो सामने वाले को चाहे किसी भी वे से कहने का मतलब लाइक इट्स कंप्लीट टोटल एलिमिनेशन वी कैन से दैट और इतना ही नहीं इसके बारे में एक अच्छी बात उन्होंने आगे देखो लिखी है कि जो ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है वो एनपीटी से भी आगे जाती है और एनपीटी तो सिर्फ प्रोलिफरेशन के बारे में बात करता था न्यूक्लियर यूज के बारे में डेटरेंस के बारे में ज्यादा बात उन्होंने नहीं की बट दिस ट्रीटी

is going to cost us very heavy। तो so, एक कारण ये भी है, दूसरा ये जैसे मैंने फिर से कहा पहले ये भी समझिए कि दुनिया में कौन से ऐसे लोग हैं जो अगर इनके बारे में बात कर रहे हैं तो उनके जो वॉर हेड्स हैं उनका जो स्टॉक पाइल है न्यूक्लियर वेपन को लेके इतने ज्यादा हजारों वॉरहेड्स का है जबकि इंडिया के वॉर हेड्स के बारे में अगर बात करें तो इंडिया शुरू से यही कहता है कि हमारे वॉर हेड्स को अगर आप टोटल एलिमिनेट भी करोगे तो विच कैन हैपन वेरी इजीली पर तो आप पहले उन स्टेट्स का क्या व्हाट अबाउट अमेरिका व्हाट अबाउट रशिया व्हाट अबाउट चाइना जिनके पास वॉर हेड जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं तो यही कारण है कि इंडिया बैन ट्रीटी से बाहर है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन से बाहर है और एनपीटी भी हमने साइन नहीं की थी एक कारण उन्होंने फिर ये भी बताया है कि आज की डेट में क्यों जरूरी हो जाता है जो आर्टिकल का मेन टाइटल भी है कि हमें ग्लोबल न्यूक्लियर डिसमेंट का स्टॉक जो है वो लेना होगा वो इसलिए क्योंकि जो डिसरप्टिव स्टेट्स आज की डेट में उनके द्वारा जो साइबर रैटलिंग हो रही है जो थ्रेटनिंग पोजिशन आपकी ली जा रही है जैसे कि रशिया थ्रेट्स अगेंस्ट यूक्रेन या चाइना का बढ़ता हुआ स्टॉक फैल और हाल ही में आईसीबीएम की टेस्टिंग ईरान का जो इनरिचमेंट प्रोग्राम है नॉर्थ कोरिया के भी हाल ही में जो आई के टेस्ट हुए हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिजाइल्स के वो एक थ्रेट पोज करते हैं और अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हैं और टोटल डिसमामेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन की मांग भी करते हैं एक चीज आपको और समझनी है इस आर्टिकल के जरिए जो इन्होंने यहाँ पे बात की है पहले आप ये जानिए कि डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया के अंदर ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन उसके तहत तीन चीजें आती हैं वी हैव द द न्यूक्लियर वी वी हैव हैव केमिकल द बायोलॉजिकल वेपन्स केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए जो लीगल मैकेनिज्म दुनिया में अवेलेबल है वो बहुत ही इन प्लेस है बहुत ही अच्छे से है और प्रॉपर है बट द पॉइंट इज कि लीगल मैकेनिज्म जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स के केसेस में उतना स्ट्रिंजट नहीं है जितना कि केमिकल और बायोलॉजिकल के केसेस में जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम केमिकल वेपन्स की बात करें सो वी डू हैव द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन और इफ़ यू टॉक अबाउट द बीडब्ल्यूसी द बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन न्यूक्लियर वेपन्स के केसेस में वैसे तो बहुत सारी ट्रीटीज हैं यू हैव द एनपीटी यू हैव द सीटीबीटी जहां पे आपने टेस्टिंग को पूरी तरह से बैन किया है एंड यू आल्सो प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन पर सवाल ये है जो उन्होंने लिखा है कि सेम लीगल स्टेटस की मांग हो रही है दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन्स के लिए कि जो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सो दिस इज वट द आर्टिकल इज ऑल अबाउट की ग्लोबल न्यूक्लियर डिसमामेंट को लेके जो पूरी डिस्कशन है सेप्टेम्बर ट्वेंटी सिक्स के केसेस में क्योंकि न्यूक्लियर डिसामेंट के बारे में बात हो रही है एंड इट इज़ द डे एज वेल इट्स द यूनाइटेड नेशन डे एज वेल फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन और आज की डेट में जहाँ पे दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ता जा रहा है अगर हम यूरोप की बात करें हम मिडल ईस्ट की बात करें हम ईरान के केसेस में देखें या नॉर्थ कोरिया के बारे में देखें जो कि साउथ चाइना सी में हो रहा है तो बहुत सारे मैं कहूँगा कि चोक पॉइंट्स दुनिया में अवेलेबल हैं और रेड फ्लैग्स बहुत ज़्यादा हैं तो so, पूरी दुनिया को देखना होगा कि कितना जरूरी है आज की डेट में हम ये नहीं कह रहे कि मतलब आज इस जनरल असेंबली के सेशन के अंदर ये साइन हो जाएगा एंड देन सडनली दिस इज ऑल गोना बी ओके नो इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट बट हाँ एक डिस्कशन अगर शुरू हो एक प्रोसेस अगर शुरू हो आने वाले समय में जो गोल है पूरी दुनिया के अंदर टोटल न्यूक्लियर डिसमेंट को लेके वो डेफिनेटली अचीव हो सकता है So, this is the whole article, and I hope you have understood it. So, thank you so much, guys, for watching. And uh, so, we are going to see you in the next video, guys. Till then, take care. And if you are new to the channel, guys, and uh, well, as per the data I can see from the analysis tab, so many of you guys watch the video but do not subscribe, like close to 70%. So, I really request you to subscribe the channel and also press the bell icon so that you receive the regular updates. So guys, thank you so much and we will see you in the next video. Take care.